ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। हेलो एंड वेलकम टू द हैशटैग शो। और आज हमारे साथ हैं पीसीसी यानी कि प्रियंका चहर चौधरी। हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट। आई विल गिव यू द हैशटैग एंड यू हैव टू इमीडिएटली रिस्पोंड टू इट विद द बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के नाम। अच्छा, तो बिग बॉस के बाद में भी बिग बॉस शो चलाना है अभी हमें बाहर थोड़ा थोड़ा। चलो लेट्स गो। ओके लेट्स गो। हैशटैग ओवर एक्टिंग। लेट्स गो शालिनी। Only Shaleen or do you think someone else is also there? Overacting में। यार overacting का खिताब Shaleen Bhanot के अलावा किसी को नहीं मिल सकता। Only Shaleen। Hashtag छपरी। We do not communicate anything through eyes. Don't do that with me. छपरी वाली हरकतें मेरी अर्चु ही करती थी। मैं ऐसे मारूंगी ना। अच्छा ये सारा वो पाएगा। Hashtag split personality. I think again Shaleen Bhanot. क्योंकि वो बहुत स्प्लिट पर्सनालिटी था। मतलब एक टाइम पे मेरे साथ अच्छा और दूसरे टाइम पे मुझे पता लगता वहां पर जाकर मेरी गाथाएं गा रहा है बुराइयों की। He be like, really? Really? मैं Hashtag lone warrior. कुछ कहना नहीं चाहूंगी मैं इस बारे में। PCC प्रियंका चाहर चौधरी जिसे जनता की जान बुलाया गया। थैंक यू सो मच गाइस। आई थिंक आई एम हैशटैग विनर अकॉर्डिंग टू मी ऑफ कोर्स मी बट नाउ इट्स एमसी सो कांग्रेचुलेशंस टू हिम। हैशटैग अनफेयर। साजिद जी पूरा मुंह पे बोल के अनफेयर होते थे वो तो लेकिन उनका क्लियर था मुंह पे बोल के चीटिंग करते थे। ही वाज लाइक कि मैंने उनको बोला भी आप चीटिंग कर लो लेकिन उन्होंने बहुत बार अंकी को भी सपोर्ट करा। बट फेयरनेस की बात करें ना अंकी को सपोर्ट किया वो अच्छी बात है लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम आप लोग के लिए हाँ वो मुंह पे बोलते थे कि मैं अपने दोस्तों को सपोर्ट करूंगा इसमें कुछ गलत नहीं है। तो साजिद जी डोंट टेक इट अदरवाइज। हाँ आई रियली लव यू। आई मीन ये लोग चाह रहे हैं कि बिग बॉस के बाहर एक और बिग बॉस शुरू हो ऐसा कुछ नहीं है। हम एक नॉर्मल गेम खेल रहे हैं। हैशटैग विक्टिम कार्ड जो हर बार विक्टिम कार्ड खेल खेल के आगे बढ़ता था। मैं सच बताऊं शालिन भनोट विक्टिम कार्ड। ये शालिन तो मेरी हिट लिस्ट में चल रहे हो। वाओ वो जरा चाकू देना इधर। हाँ यहाँ मार दे बेटा। हैशटैग ट्यूबलाइट। अब एमसी ऐसा करने गए क्या फिर? ऐसा करने गए क्या ब्रो फिर? हैशटैग दोगला। दोगला यार कैसे क्यों ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड निकालो ना आफ्टर बिग बॉस। यू प्लेड बिग बॉस नाउ गो ऑन अच्छे वर्ड। अब हो गया ना आई मीन अब दोगली अगर मैं बोलूं कहीं ना कहीं मुझे निमृत बहुत दोगली लगती थी क्योंकि वो सब जगह पर चाहती थी कि गुड बुक्स में रहे चाहे यहाँ पर जैसे मंडली के साथ भी उससे पहले वो गौतम वगैरह के साथ फिर उनके साथ भी उन्हें लगा सपोर्ट नहीं मिल सकता यूनिटी नहीं है देन मंडली के साथ जुड़े तो वो थोड़ा सा मुझे दोगलापन उधर नजर आया कि बाकी सबसे भी जैसे गुड बुक्स में रहना और बट सब में हैशटैग दिखावा शो ऑफ व्हाट आई थिंक सौंदर्य थोड़ा सा यार ये सब ना गाइस सुनो ये सब ना बहुत ही एक नॉर्मल सी बातें चल रही है बाहर लेकिन ऐसा आई डोंट मीन इट जो कि सब कट होने वाली है सब बातें। हैशटैग चुगलीखोर। एक तो अर्चना उसको भी हाँ। बहुत चुगली करने का बहुत मन करता था और एक शायद मैं खुद भी मुझे बड़े मजे आते थे मैं ये बोलती थी आ जाओ चुगली करते क्योंकि और तो कुछ करने को होता नहीं था वहां पर। हैशटैग विलेन। मेरे लिए तो फिर शिफ्ट था वहाँ। हाँ, I was expecting this name. पर यहाँ अब नहीं है ऐसा कुछ भी वहाँ तक की जर्नी बता रही हूँ। But I was a tushanbazi, we all love. Love. Yes. So basically मैंने भी बाहर आकर देखा कि यहाँ पर अलग से चल रहा है शिव का और उसका कि शिव्यांका को वैसे पसंद कर रहे हैं टशनबाजी में भी। We were like, okay. और लड़ लेते हैं हम अंदर। नहीं मैंने कहा हम लड़ते रह गए ट्रॉफी कोई और लेकर के। हंसते चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। हैशटैग कैटफाइट। मैं और अर्चना हमारे पास और कोई काम नहीं होता था हमें लगता था घर तो पूरा शांत है हम बोर हो रहे हैं। How did you guys end up fighting? मतलब guys हमने सबने देखा कि ये दोनों पहले अच्छे से बात कर लेंगी नॉर्मल मैंने पोहा बनाया अर्चु पोहा टेस्ट कर लेंगे अगले मिनट दे आर फाइटिंग। क्या ऐसा होता था आप लोग के बीच में कि वो सीक्वेंस जो हम नहीं देख पाते थे या हमें नहीं दिखाया जाता था उसके बीच में क्या होता था आप दोनों की लड़ने लग जाते थे? मैं सच बताऊं सब दिखाया जाता था हमारी फाइट ही ऐसे होती थी कि मैंने बोला पोहा खा ले और वो बोले कि कैसा पोहा बनाया मैं बोलूंगी यार तू पागल है कि अप्रिशिएट नहीं कर सकते क्या तो बहुत ही हम दोनों ही इतने मुंह फट है ना कि मुंह पर बोलते रहेंगे एक दूसरे को फिर ऐसी बातें मुंह पर बोलने लगते थे कि भाई क्या हो रहा है ये। आप दोनों की ऐसी इक्वेशन थी जो हमें बाहर घर के बाहर कभी समझ ही नहीं आई। हमें भी अंदर समझ नहीं आई। हम पांच मिनट का एपिसोड देख रहे दो मिनट स्किप हो गया अरे ये दोनों फिर लड़ने लग गई अभी तो खा रहे थे साथ में। हैशटैग अनडिजर्विंग। देखो एमसी ऑफ कोर्स बट क्योंकि
जनता ने उसे वैसा ही पसंद किया तो डेफिनेटली मैं जनता की रिस्पेक्ट पूरी तरह से उस चीज को लेकर करती हूँ. लेकिन एमसी क्योंकि वो स्टार्टिंग से इंटरेस्टेड ही नहीं था, ही वाज लाइक मुझे बाहर निकाल दो या आई एम नॉट इंटरेस्टेड. बट आई थिंक उसका यही केयर फ्री एटीट्यूड लोगों को शायद पसंद भी आया. उसने एक बात कही थी माहीन के घर पर लेट कर कि ट्रॉफी तो मैं ही लेकर जाऊंगा, छेड़ कर बोला था मुझे. और मेरी गर्दन तुरंत ऐसे मुड़ी, मैंने कहा हाउ डेयर यू से दैट. बट सी हैशटैग गटर माउथ. गटर माउथ, यस. तो गटर माउथ बहुतों ने किया था वहां पर. मैं बोलूंगी तो अर्चना और एमसी दोनों ने किया, पर अर्चना ने बहुत किया है मेरे साथ. मैंने हमेशा उसको बोला कि अपनी जुबान सही कर ले, एवरीथिंग इज सॉर्टेड एंड बाकी तो अब चीजें कुछ मैं भी एक्सेप्ट करूंगी तेरी जो तुझ है वैसे ही. बट जस्ट लाइक योर जुबान जो बहुत ज्यादा कई बार ऐसी हो जाती है. ऑनेस्टली आपको शो में देख के बहुत मजा आया. एंड गाइज ये थी अनफिल्टर्ड परी एंड दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.